मैं डॉक्टर शादलिकांत आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत। आज हम विशेष रूप से दक्षिण दक्षिण समाजन उसका अध्ययन करेंगे सहयोग का। हम जैसे पढ़ चुके हैं कि उत्तर दक्षिण संवाद की असफलता परिणाम स्वरूप दक्षिण दक्षिण संवाद का जन्म हुआ। दक्षिण दक्षिण संवाद के जन्म के पीछे मुख्य कारण था उत्तर के देशों द्वारा दक्षिण की मांगों को स्वीकार नहीं किया जाना। विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के कठोर दृष्टिकोण से यह स्पष्ट हो गया कि उत्तर और दक्षिण के देशों के मध्य सहयोग की आवश्यकता अधिक संभावना नहीं है। अतः दक्षिण के देशों ने अब नौ पर केंद्रित करने का निश्चय किया। तत्काल विश्व स्तरीय वार्ताएं आयोजित की जाए, विकासशील देशों में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की जाए, वर्तमान वितरण व्यवस्था जिसके अंतर्गत विकासशील विकसित देश विकासशील देशों को सहायता प्रदान करते हैं उसमें परिवर्तन लाना, बहुपक्षीय सहयोग को अधिक सशक्त बनाना, विकासशील देशों में ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ाने हेतु वित्त की व्यवस्था करना, तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण विकासशील देशों पर बढ़े हुए वित्तीय दबाव को कमी लाने के लिए तुरंत प्रयास करना तथा विकासशील देशों को निरंतर सहयोग सहायता दिलवाते रहने का प्रयास करना। तेल का आयात करने वाले विकासशील देशों को संक्रमण काल में उनके भुगतान संतुलन बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये विशेष रूप से थे। इसके अलावा संसदवादी प्रवृत्तियों को बदलना तथा विकासशील देशों के मध्य संबंधों को सशक्त बनाने तथा उनके सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना जिससे विकास विकसित देशों पर उनकी निर्भरता कम हो। इन उत्तर दक्षिण संवाद को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने के पूर्व अन्य किसी भी देश में एक प्राथमिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विश्व स्तरीय वार्ताओं में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, गेट, इन तीनों की संस्थाओं के संगठन गठन भूमिका और कार्यों पर बहस नहीं की जाए। उत्तर दक्षिण के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया कोई भी प्रस्ताव सदस्य देशों को बाध्यकारी नहीं होगा। यानी कि हम इसका अर्थ के रूप में देखें तो जैसे गोलार्ध को हमने दो भागों में बांटा, एक उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। दक्षिण में गरीब और विकासशील देश होते हैं और उत्तर में अमीर देशों का प्रतीक है। दक्षिण दक्षिण सहयोग से तात्पर्य कि दक्षिण दक्षिण विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के लिए विचार विमर्श अथवा आपसी सहयोग के आधार की खोज, नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए उत्तर दक्षिण के प्रयत्न किए गए थे, किंतु धनी विकसित देशों की अर्थनिर्मिता और आइडियल रूप के कारण कोई अवसरजनक परिणाम नहीं निकले। विकासशील देशों की निर्धनता बढ़ती गई, ऋण भार बढ़ता गया, बजट घाटा बढ़ता गया, व्यापार में असंतुलन बना रहा। उत्तर दक्षिण सहयोग की मृगनिचिका के पीछे भागने के बजाय दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील राष्ट्रों ने अपने त्वरित आर्थिक विकास के लिए दक्षिण दक्षिण आपसी सहयोग पर जोर देना प्रारंभ कर दिया। दक्षिण गोलार्ध के विकासशील निर्धन राष्ट्रों ने निरंतर बनी रहने वाली मंदी की स्थिति, उत्तर दक्षिण वार्ताओं में गतिरोध की स्थिति, विश्व स्तर की आर्थिक संस्थाओं के आक्रमणता ने विकासशील राष्ट्रों के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग का नारा बुलंद करना अनिवार्य सपना दिया। दक्षिण का उदय यानी आज का दक्षिण का उदय अभूतपूर्व गति और स्तर पर हुआ है। उदाहरण के लिए एक एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाली चीन और भारत का आर्थिक उत्थान जिसके कारण 20 वर्ष से कम समय में प्रति व्यक्ति निर्गत दुगुना हो गया, आउटपुट दुगुना हो गया, ऐसा आर्थिक बल जिसने औद्योगिक क्रांति से ज़्यादा बड़ी जनसंख्या को प्रभावित किया। 2050 तक ब्राजील, चीन, भारत तीनों मिलकर क्रय शक्ति समता के अर्थों में दुनिया के सकल निर्गत के 40% होंगे। आज कुछ वैश्विक आर्थिक निर्गत में दक्षिण की हिस्सेदारी लगभग आधी है जो 1990 के एक तिहाई के मुकाबले काफ़ी अधिक है। 8 प्रमुख विकासशील देशों जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की का कुल सकल घरेलू उत्पादन है अमेरिका के सकल घरेलू उत्पादन के बराबर हो चुका है, जो अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। विकास दक्षिण दक्षिण सहयोग पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि दक्षिण दक्षिण सहयोग का वास्तविक सूत्रपात 1968 में नई दिल्ली के में आयोजित द्वितीय अक्टांत सम्मेलन में विकास राष्ट्रों में आपसी सहयोग की आवश्यकता पर बल देने के साथ हुआ था। इसके बाद दक्षिण दक्षिण सहयोग की अवधारणा पर 1970 के लुस्साका सम्मेलन में विचार विमर्श हुआ। सन 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने जब नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आह्वान किया तो विकासशील राष्ट्रों के आपसी सहयोग पर विशेष उल्लेख किया था। तत्पश्चात 1975 में के लिमा में हुए विदेश मंत्रियों के सम्मेलन एवं कोलंबा में सन 1976 में हुए निर्गत सम्मेलन और चौथा अक्टांत सम्मेलन 1976 में इस प्रकार के सहयोग की अवधारणा की अभिपुष्टि की गई। ग्रुप स्वतंत्र की सन 1979 की बैठक में भी विकास राष्ट्रों के मध्य आपसी व्यापार की वृद्धि की आवश्यकता एवं सामूहिक आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर बल दिया गया। मई 1981 में काराकास में विकास राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस विषय को एक नया आयाम प्रदान किया गया एवं विकास राष्ट्रों के मध्य पशु कदम मानो की विश्वव्यापी प्रणाली की मांग की।
ताकि व्यापार संवर्धन उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हो सके। नई दिल्ली में 22 से 24 फरवरी 1981 की अवधि में 44 देशों का सम्मेलन हुआ, जिसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। इस सम्मेलन में दक्षिण दक्षिण सहयोग के पुख्त दिशा निर्देश दिशा संकेत खोजे। उत्तर यानी धनी पश्चिमी देश पर निर्भरता कम करने की पुष्टि से ही है और दक्षिण दक्षिण में परस्पर सहयोग स्थापित करने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया था। सम्मेलन में सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात जैसे अमीर देश भी आमंत्रित थे। उनसे आशा की गई कि वे अपने गरीब भाइयों की मदद के लिए आगे आएंगे। यदि तेल संपन्न देश अपने धन को विश्व विकासशील देशों में लगाना स्वीकार कर ले तो बेशक दक्षिण विकासशील देशों का आर्थिक चेहरा बदल सकता है। अक्टूबर 1982 में ग्रुप 77 के मंत्री ने न्यूयॉर्क में एक घोषणा स्वीकार कर विकासशील राष्ट्रों के मध्य प्रशुल्क विमानों की स्थापना पर वार्ताएं प्रारंभ की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकासशील राष्ट्रों के मध्य आपसी व्यापार पर अधिमानों व दीर्घकालीन समझौते जैसे प्रत्यक्ष उपाय अपनाकर उनके आपसी व्यापार में वृद्धि करना था। गुटनिरपेक्ष देशों के हरारे शिखर सम्मेलन 1986 ने दक्षिण दक्षिण संवाद के स्थान पर दक्षिण दक्षिण सहयोग की आवश्यकता पर स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। रॉबर्ट मुगाबे ने तो स्पष्ट कहा था कि दक्षिण दक्षिण सहयोग और सामूहिक आत्मनिर्भरता को अपनाए बिना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में सुधार लाना संभव नहीं। दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तरी कोरिया में विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक का निर्णय लिया गया। ये बैठक उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में 9 जून 1987 को शुरू हुई। प्योंगयांग घोषणा में दक्षिण दक्षिण सहयोग के को सामूहिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। दक्षिण 1987 में जब 1987 में दक्षिण दक्षिण आयोग का निर्माण किया गया, जिसका मकसद विकासशील राष्ट्रों में आपके आपसी सहयोग की नई दिशा देना और समन्वय स्थापित करना था। दिसंबर 1991 में आयोजित G15 राष्ट्रों के काराकास सम्मेलन ने विकास देशों के नेताओं में उनकी आपसी समस्याओं के प्रति जागरूकता उजागर की। काराकास सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने ठीक ही कहा था कि निर्धन देशों के आपसी सहयोग को चौमुखी विकास का प्रभावी माध्यम बनाया जाना चाहिए। दक्षिण दक्षिण सहयोग के विभिन्न मंचों में हम देखते हैं विशेष रूप से 18 सम्मेलन, ग्रुप 77 की बैठकें, गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन, G15 सम्मेलन, दक्षिण आयोग, आसियान सार्क, इनसेक और बिम्सटेक और G3 का गठन। यानी अक्टांड जो है अक्टांड अथवा संयुक्त राष्ट्र अक्टांड क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार एवं आर्थिक विकास पर हुए अधिवेशनों से पूर्व विदेश व्यापार और सहायता से संबंधित समस्याओं पर प्रशुल्क दरों और व्यापार पर हुए सामान्य समझौतों गेट के अंतर्गत विचार किया जाता था। उक्त सामान्य समझौते का अल्प विकसित देशों का आसान रूप लाभ नहीं मिल सका। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु एक नवीन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका प्रयोजन अल्प विकसित देशों के विद्यमान अंतर एंड ट्रेड गैप में कमी करना था। इस कार्यक्रम को अंकटाड की संज्ञा दी गई। अंकटाड की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के एक स्थायी के रूप में 30 दिसंबर 1964 को हुई। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में एक नया मोड़ बिंदु था। इसने विश्व व्यापार के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। विकासशील देशों के विकास विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के अध्ययन का बड़ा प्रभाव था। अब तक अंतर्राष्ट्र के लगभग 13 से भी ज़्यादा कई सम्मेलन हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्र का जैसे 8वां सम्मेलन कार्टगेना कोलंबिया में संपन्न हुआ। सर्वसम्मति से पारित घोषणा पत्र में विकास के लिए नई साझेदारी की बात की गई। 40 निर्धनतम देशों ने यहाँ संयुक्त रूप से अपील की कि ऐसे देशों के समस्त द्विपक्षीय अधिकृत ऋणों को माफ कर दिया जाए, ऋण मांग एवं ऋण भुगतान सेवाओं में कटौती के लिए तुरंत कदम उठाया जाए। यानी इसी प्रकार से 27 अप्रैल से 11 मई 1996 तक दक्षिण अफ्रीका के शहर मिड रैंड में संपन्न हुआ, जिसमें 134 देशों के 2000 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। इसी प्रकार से 12 से 19 फरवरी 2000 में बैंकॉक थाईलैंड में विश्व व्यापार के मुद्दे पर विकसित और विकासशील राष्ट्रों में आपसी हितों को लेकर टकराव बना रहा। यानी व्यापार के लिए सभी देशों को निकट लाने के लिए अधिवेशन का मुख्य विषय न्यू ग्लोबल डील यानी न्यू
ग्लोबल ऑर्डर रखा गया। इसी प्रकार से 13 से 18 जून 2004 को साओ पाउलो ब्राजील में संपन्न हुआ, जिसका विषय था आर्थिक विकास, खासकर विकासशील देशों के विकास के प्रति राष्ट्रीय कार्यनीति और वैश्विक प्रक्रियाओं के बीच सामंजस्य का समझौता। अक्टांट का जो 12वां सम्मेलन हुआ था 21 से 25 अप्रैल 2008 को अंकारा घाना में हुआ संपन्न हुआ, जिसका विचारणीय विषय था वैश्वीकरण की चुनौतियां एवं विकास के लिए अवसर। अंकटांड का 13वां सम्मेलन जो 21 से 26 अप्रैल 2012 को दोहा कतर में हुआ, 14वां सम्मेलन 17 से 22 जुलाई 2016 को नैरोबी केन्या में संपन्न हुआ। ग्रुप 77 की बैठक जो थी 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सदस्यों में अफ्रीकी राज्यों की संख्या काफ़ी संख्या थी और संघ के लगभग दो तिहाई सदस्य विकासशील देश तीसरी दुनिया के देशों में से थे जो अपने को ग्रुप 77 कहने लगे थे। समुदाय की स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान की गई थी। वर्तमान में इनकी संख्या 135 से भी ज़्यादा हो गई है और यानी ग्रुप तीसरी दुनिया के देश हैं। ग्रुप 77 लघु समूह भी है, एक अंतर समूह जिसे G24 वित्त के नाम से जाना जाता है और G24 के वित्त मंत्री की 49वीं वार्षिक बैठक 26 सितंबर 1993 को वाशिंगटन में संपन्न हुई। इसी प्रकार से 15 अप्रैल 2020 को ग्रुप 77 का हवाना में सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन जो है विकासशील देशों के विकास के लिए होता रहता है। इसी प्रकार से गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन जो है तीसरी दुनिया के राष्ट्रों से संबंधित है और खास तौर से हरारे सम्मेलन से गुट सम्मेलन विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति दी। यानी प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी बेलग्रेड शिखर सम्मेलन 1989 में कहा था कि हमें दक्षिण दक्षिण सहयोग को आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में वर्तमान संबंधों की अपेक्षा और अधिक ठोस रूप देना चाहिए। यानी सितंबर 1992 में विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ोतरी का आह्वान किया गया। कार्टगेना में आयोजित 11 शिखर सम्मेलन में 1995 में अन्य मुद्दों के साथ दक्षिण दक्षिण सहयोग का प्रश्न उठाया गया। यानी प्रत्येक सम्मेलन में जिसमें जैसे हम 17वां शिखर सम्मेलन भी 13 से 18 सितंबर 2016 को संपन्न हुआ, ऊर्जा जलवायु परिवर्तन वैश्विक आतंकवाद प्रौद्योगिकी संरक्षण इत्यादि यही 2019 में जो सम्मेलन हुआ उसमें मुद्दे उठाए गए थे। यानी G15 जो सम्मेलन था विकासशील देशों के ग्रुप है जो विकास और उससे संबंधित मुद्दों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप प्रदान करता है 1989 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के बाद किया गया इसका स्थापना G15 का और प्रमुख देश जो ये क्षेत्र थे अफ्रीका उत्तरी दक्षिण अमेरिका कैरिबियन सहित एशिया और यूरोप इसके सदस्य देश के सदस्य इसके सदस्य जो थे सदस्य हैं अल्जीरिया अर्जेंटीना ब्राज़ील मिस्र जमैका भारत इंडोनेशिया मलेशिया मैक्सिको नाइजीरिया पेरू सेनेगल वेनेजुएला यूगोस्लाविया जिम्बाब्वे। इसका पहला शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में हुआ। कुआलालंपुर सम्मेलन में G15 की भूमिका और प्राथमिकता को स्पष्ट किया गया, इससे दक्षिण के ठोस प्रतिनिधि रूप में देखा गया। यानी स्वतंत्र ग्रुप 77 के धुंधले विवादस्पद माहौल से उपरोक्त कर काम करना शुरू किया इसने। G15 का दूसरा शिखर सम्मेलन वेनेजुएला की राजधानी क्राकस में 27 से 29 नवंबर 1991 में संपन्न हुआ। G15 का तीसरा शिखर सम्मेलन 21 से 23 नवंबर 1992 को सेनेगल की राजधानी डाकार में संपन्न हुआ। कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन में किए गए सार्थक पहल को डाकार सम्मेलन ने आगे बढ़ाया। परस्पर सहयोग हेतु इस सम्मेलन में 7 नई परियोजनाओं को हाथ लिया गया। यानी कि भारत 2 परियोजनाओं का संयोजक है, दक्षिण विनिमय व्यापार तकनीकी आंकड़ा विनिमय केंद्र परियोजना की स्थापना की गई। G15 ने अपने कुआलालंपुर सम्मेलन में नवंबर 1990 में प्रदान कर दी थी, जिसने कार्य प्रारंभ कर दिया था। $25,000 का योगदान भारत ने दिया था। यानी कि इसका जो चौथा सम्मेलन भी हुआ था 8 से 11 दिसंबर 1993 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और इसके अलावा जैसे अर्जेंटीना में 5 से 7 नवंबर 1995 अर्जेंटीना में आयोजित हुआ। इसी प्रकार से 1996 में जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में 6th शिखर सम्मेलन हुआ। ये सम्मेलन जो है प्रतिवर्ष आयोजित होते रहते हैं। जैसे 11वां शिखर सम्मेलन 28 से 30 मई 2001 को जकार्ता में हुआ।
G15 का उद्देश्य विकास देशों के मध्य सहयोग, नीतिगत समन्वय और उनके बीच विकास से संबंधित समस्याओं के बारे में समय समय पर विचार करना है। यानी सेसो काल में ही विकास देशों के लिए एक शक्तिशाली कार्यक्रम के रूप में उभरा है G15। दक्षिण आयोग एंड द साउथ कमीशन हरारे निर्गुट शिखर सम्मेलन में दक्षिण दक्षिण सहयोग को त्वरित दिशा देने के लिए दक्षिण आयोग की स्थापना का निर्णय दिया गया। 2 अक्टूबर 1987 को अंतर्राष्ट्रीय संगठन दक्षिण आयोग ने जिनेवा में एक कार्यालय खोला। तंजानिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति जूलियस नेरेरे ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा प्रवर्तित इस 28 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत को आयोग का महासचिव बनाया गया। आयोग का उद्घाटन समारोह में नेरेरे ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और ऋणदाता राज्यों द्वारा लागू की गई नीतियों पर तीसरे दिन एक राष्ट्रों को निराशा का ही अनुभव हुआ है। आसियान सार्क एमसेक्स एंड बिम्सटेक। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र संघ है। ये इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया जैसे देशों का संघ है। आसियान का निर्माण उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना, सहयोग, सामूहिक सहयोग से विभिन्न साझेदार समस्याओं को हल करना ये था। सार्क का पूरा नाम जैसे दक्षिण एशिया एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क के सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान जो क्षेत्रीय सहयोग पर आधारित बन चुका है। यानी दक्षिण एशिया वरीयता व्यापार समझौते यानी साफ्टा को स्वीकृत किए जाने से दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग के नए युग का सफलता हुआ। साफ्टा का उद्देश्य दक्षिण एशिया में व्यापार संबंधों को बाधाओं को दूर करना। साफ्टा दक्षिण एशिया विकास नीति का गठन के से इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग की काफ़ी उम्मीदें की जा सकती। मार्च 1997 में हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन हिम्मत शेष का गठन एक महत्वपूर्ण घटना है। इस संगठन में एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के वे देश संगठित हैं जो हिंद महासागर के तट पर बसे हैं। भारत के अतिरिक्त संगठन में शामिल देश ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, ओमान, यमन, तंजानिया, केन्या, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, सेल्स और बांग्लादेश। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य जो लक्ष्य है हिंद महासागर के देशों के बीच व्यापार व आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और आर्थिक एकजुटता के आधार पर हिंद महासागर के बाजार की रचना करना, सभी क्षेत्रीय राज्यों के हित सुरक्षित करना। जून 1997 में शुरू किए गए बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग बिम्सटेक नामक उदयमान क्षेत्रीय समूह के रूप में हुआ और इसमें बांग्लादेश भारत म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग की बैठक के स्वरूप में 7 अगस्त 1998 को संपन्न बांग्लादेश म्यांमार का ये देश जो हुए आर्थिक सहयोग के लिए आर्थिक मंत्रियों की बैठक में निर्णय लिया गया। बिम्सटेक का शिखर सम्मेलन 31 जुलाई 2004 को बैंकॉक में सम्पन्न हुआ। 19 दिसंबर 2005 को ढाका में संपन्न हुआ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन। इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों में बिम्सटेक का नाम बदल दिया गया और उसके स्थान पर बिम्सटेक यानी बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड का नाम प्रथम अक्षर से लिए गए थे। इसका नाम अब इसे नाम अक्सर तो वही रहेंगे परंतु अर्थ परिवर्तित कर दिया। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बंगत शेष कर दिया गया है। 4 मार्च 2014 को बिम्सटेक का शीर्ष शिखर सम्मेलन म्यांमार के नेपिता में संपन्न हुआ। पार्टनरशिप फॉर हार्मनी एंड प्रॉस्पेरिटी इस शिखर सम्मेलन का थीम था। यानी म्यांमार के राष्ट्रपति थीन सेन के अनुसार समानता पर आधारित आपसी सहयोग के द्वारा ही इस क्षेत्र के विकास की गति को बढ़ावा दिया जा सकता है। इप्सा यानी G3 यानी इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका तीनों देशों जो बड़े राष्ट्र हैं उनका उद्देश्य व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के लिए एक त्रिस्तरीय संगठन इप्सा का गठन किया गया। 1 से 3 जून 2003 को अनौपचारिक रूप से G8 शिखर सम्मेलन के दौरान एवियन फ्रांस में किए। इससे औपचारिक रूप से ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में 6 जून 2003 को गठित किया गया। यह बैठक तीनों देशों के विदेश मंत्री थे। इस संगठन के मूल रूप रेखा इस बात पर थी कि तीनों देश विशाल किसी भी सतह पर ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रबल दावेदार भी हैं।
6 जून 2003 को विदेश मंत्री बैठक में कहा गया कि ये देश एक दूसरे की सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के दावेदार का समर्थन करते हैं, आने वाले समय में एक दूसरे के साथ व्यापारिक और राजनीतिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। 13 सितंबर 2006 को ब्राजील भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका के समूह इफ्सा में पहली शिखर वार्ता ब्राजीलिया में संपन्न हुई, जिसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दक्षिण दक्षिण सहयोग का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया। 5वां शिखर सम्मेलन जो 18 अक्टूबर 2011 को दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में संपन्न हुआ, इफ्सा दक्षिण दक्षिण सहयोग का नया प्रभावी मंच है। 2009 में दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित संयुक्त राष्ट्र संघ जो 1 से 3 दिसंबर 2009 तक नैरोबी केनिया में दक्षिण दक्षिण सहयोग पर उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि ने द्विपक्षीय रूप में और क्षेत्रीय बहुपक्षीय समूह की रूपरेखा में दक्षिण के सामूहिक हित को आगे बढ़ाने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता और प्रयासों को रेखांकित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ से अपेक्षा की गई कि दक्षिण दक्षिण सहयोग का विस्तार करने और उत्तर में से दक्षिण संसाधन लाकर त्रिकोण सहयोग बढ़ाने को संभव बनाने और दक्षिण सब क्षमताओं विश्व के अनुभव का लाभ उठाने का आग्रह किया। दक्षिण दक्षिण सहयोग की सीमा चुनौतियाँ, दक्षिण दक्षिण सहयोग के मार्ग में आने वाली रुकावटें चुनौतियाँ हैं। ये सर्वविदित है कि दक्षिण के विकासशील देशों के बीच आपसी मतभेद विद्यमान है। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध अंतर्राष्ट्रीय संघ में हुए वे विकासशील देशों के मध्य हुए। इसमें भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, वियतनाम कंपोचिया संघर्ष, ईरान इराक युद्ध, इथोपिया सोमालिया संघर्ष, कुवैत पर काफी कब्जा प्रमुख कुवैत पर इराकी कब्जा प्रमुख है। आर्थिक मुद्दे के क्षेत्र में दक्षिण के विकासशील देशों के मध्य समन्वित दृष्टिकोण का अभाव, तीसरी दुनिया के अनेक देश विशेषकर तेल निर्यातक देशों के पास काफी मात्रा में अधिशेष धन है, लेकिन वे इस धन के अन्य विकासशील देशों में निवेश करने के बजाय इसे आमतौर पर पश्चिम बैंकों या विकसित राष्ट्रों में जमा करते हैं। इन सभी कारणों से विकासशील देशों के बीच सहमति आपसी सहयोग दक्षिण दक्षिण अत्यंत सत्य भारी स्वरूप की धारण कर पाता है। वे अपने उत्तर के धनी राष्ट्रों के साथ सौदा करने की स्थिति में कमजोर पाते हैं, यानी कि इन चुनौतियों के संदर्भ में यह आवश्यक बताया गया दक्षिण गोलार्ध के कारण विकास राष्ट्र देश एकजुट हों। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद युग में उत्तर के धनी खासतौर पर G8 देशों की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक प्रभुता के खिलाफ खड़े हों, इसलिए दक्षिण आयोग G15 देशों के संगठन बनाए गए जिनका उद्देश्य विकासशील देशों में सहयोग को प्रोत्साहन देकर उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर खोलना था। यानी आज इतना ही हम अध्ययन करेंगे, आगे हम विश्व व्यापार संगठन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।